हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम और सभी को हैप्पी होली। तो आज है होली दहन यानी होली की पूजा, जो बुरखले पूछते हैं। तो मैंने आलू बाल दिए हैं, आटा मांड कर रख दिया है। अब जो है चावल चढ़ाने जाऊंगी, क्योंकि खीर बनेगी, देवता के कपड़े निकलेंगे। तो बस उसकी तैयारी चल रही है और क्लीनिंग कर रही है। मैं लगा रही झाड़ू, तनी से लगा रही पोछा, और बस अब सारे काम अब धीरे धीरे लगेंगे। और फ्रेंड्स, सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ऐसी ही हैप्पी रहिए, खुश रहिए, और अपनी जो है बड़े बूढ़ों को और अपनी फैमिली को भी खुश रखिए। एक अपनी बाइक साफ कर रहा, क्योंकि देवता पे जाएगा, सारे देवताओं पे प्रसाद चढ़ेगा, तो अपनी बाइक साफ करके ले जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तनिसा लगा रही है मॉप से पोछा, और बहुत अच्छा पोछा लग जाता है इससे। फ्रेंड्स, मुझे लेट ना हो जाए। हाँ, दो गिलास चावल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तनिसा चावल चढ़ा देगी, क्योंकि मैं जो है झाड़ू लगाने में टाइम लगेगा मुझे, और देर ना हो जाए इसलिए लग जाते अपने काम में। और एक साल हो गया है हमारी कोको भी, देखिए कितनी बड़ी हो गई है ये, जब पिछली दिवाली पर घी नहीं। और अब देखिए हमारे पास एक छोटा सा कोको को टेडी बेयर है, ये है हमारा टेडी बेयर, खेलो इसको। तो फ्रेंड्स, आपने कोको को छोटे से देखा होगा, बहुत ही प्यारी क्यूट सी है हमारी कोको। और यहाँ पर मैं लगा रही झाड़ू, झाड़ू में अंदर से लेकर बाहर के, बेड के नीचे, सोफा के नीचे, हर तरीके से झाड़ कर, क्लीनिंग कर कर ही झाड़ू लगाती हूँ अच्छी सी। और तनिसा अच्छा सा लगा देती है पोछा, तो घर हमारा चमक जाता है बिल्कुल। और बिल्कुल अच्छी सी क्लीनिंग करते हैं ना, तभी घर चमकता है। और हमने सोफे भी झाड़ दिए नीट एंड क्लीन। यहाँ पर गेंदा के फूल लगे हैं, गेंदा के दिखा दे, ये हमारे यहाँ पर गेंदा के फूल लगे हैं, और ये गुड़हल के यहाँ पर चादर बदल रही है। यहाँ पर ये दिए हैं जो देवता लेके जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी देवी देवता की पूजा होगी, पहले देवता पे जाएगा, बाकी सब पे बाद में जाएगा। यहाँ पर कोको को और तनिषा को देखिए कैसे खेल रहा है। तनिषा अपने काम कर रही है और विवेक जाएगा प्रसाद चढ़ाने के लिए। और यहाँ पर सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, तीन तरह के, जामनी कलर के, और गेंदा के, और गुड़हल के फूल। तो वो भी लेकर जाएगा देवता पे, सारे भगवान जी। तो फ्रेंड्स, विवेक जा रहा है, डिब्बे में दूध ले लिया है और गंगा जल डाल लिया है, तो सारे देवता पे जाएगा और नहा लिया है। नहा के अब जो है सारा प्रसाद फूल ले लिए हैं, जामनी कलर के फूल, गुड़हल के फूल, और गेंदा के फूल। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने शादी के बाद पूजा करनी स्टार्ट करी देवी देवताओं की, ऐसे ही बच्चों को भी समझा कर लेकर चलना पड़ता है। तो बच्चों को आदत डल चुकी है, विवेक और प्रशांत जाते हैं हमेशा देवता की पूजा करने के लिए। तो चलिए, मैं भी अपने काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने करी शॉपिंग, और शॉपिंग जो करी है वो करी सोफा के कवरों की और चद्दर की, क्योंकि चार चद्दर ले ली है। और ये सोफा के अंदर वाले मेरी शादी के जो सोफा के कवर है उनके लिए, वो पुराने हो चुके कवर, और एक जो हमारे नए सोफा है ना, इनके लिए बहुत जरूरी है सोफा के कवर, ये मैंने लिए हैं, क्योंकि होली का टाइम आ रहा है, तो होली के त्यौहार पर नई नई चीज़ें लगानी चाहिए और सफाई भी करनी चाहिए। तो सफाई तो हमने अंदर से लेकर बाहर तक पूरी क्लीनिंग कर ली, छत की भी क्लीनिंग करी सफा, और जो है पौधों में भी अच्छे से पानी कटिंग करके दे दिया है, तो बहुत अच्छे से सफाई हो गई है। तो फ्रेंड्स, डबल बेड की चार चद्दर और ये सोफा के दो जोड़ी कवर मैंने 1900 रुपये में लिए हैं, बहुत अच्छे कवर लग रहे हैं और सेम कलर है। ये शॉपिंग मैंने, क्योंकि हमारे कवर गंदे ना हो, तो ये नीचे नीचे लगा जाए जिस पर हम बैठते हैं, और वहाँ पर लिए तो चलता है बताना। और जिस दिन हमारी नंद आई थी ना, उस दिन करी मैं शॉपिंग, इस तरह के इस पर गाय और वो बन रहे हैं खानम, ये देखिए इस तरह कवर वर्क है, ये भी बहुत प्यारे हैं, और देखते हैं इस तरह का वर्क। तो चलिए लगाते हैं और आपको भी दिखाते हैं होली के त्यौहार पर, ये इस तरह की है, ये मुझे बहुत पसंद आई, इसमें ये गुलाब के फूल आ रहे हैं, एक अंदर वाले के और एक ये बाहर वाले के। तो चलिए भी लगाएंगे, बच्चे लगाएंगे, और शॉपिंग हो गई है, ये भी बहुत जरूरी काम था जो मैंने कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं होली की तैयारी।
तो फ्रेंड्स देवता की पूजा के लिए खाना बनेगा तो बिना प्याज का खाना है। तो यहाँ पर हमने सरसों के तेल में जीरा डाल दिया है, टमाटर डाल दिए हैं, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और अब जो है इन्हें आपस में अच्छे से मैश कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर डाला है स्वाद अनुसार पानी और हमारी आल टमाटर सब्जी रेडी हो गई है। यहाँ पर प्रशांत और तनिषा लगा रहे सोफा के कवर जो मैंने शॉपिंग करी है। तो मेरे पुराने जो मेरे शादी के सोफे हैं वो भी और नए सोफे के कवर और चादर भी ले लिए हैं मैंने। तो यहाँ पर बातों बातों में आपके साथ में जो है आलू भी छिल गए मेरे सारे। और चलिए अब करते हैं आलू की पिट्ठी और कचौरी की तैयारी। यहाँ पर मैं साथ के साथ जो है पानी उबल गया है थोड़ा सा, तो उसमें आलू फोड़ कर डाल दूंगी। और उबले हुए आलू की सब्जी बहुत टेस्टी बनती है। जब भी आपने बनाई होगी तो सिंपल आलू और ऐसे आलू की सब्जी बहुत टॉप बनती है, यानी उबले हुए आलू की। तो यहाँ पर बिना प्याज लहसुन का खाना बनेगा देवता का। और फिर जो है हम यहाँ पर पिट्ठी जो बनाते हैं तो वो हम हमेशा जो है घी अकस में कस के बनाते हैं, क्योंकि आपकी कचौरी बिल्कुल नहीं फूटेगी। तो यहाँ पर देवता के खाने की तैयारी, क्योंकि उनके खाने की थाली निकलेगी। और फिर मैं जो है कपड़े भी निकालूंगी, एक अपने भांजे के पूजने के लिए और जो है यहाँ पर अपने बच्चों के लिए। तो चलिए भाई, फिर मैंने साथ के साथ जो है अपने जितने भी बर्तन हैं वो वॉश कर दिए, क्योंकि तनिषा और प्रशांत सोफा के कवर लगा रहे थे तो उसमें भी टाइम लगता, तो मैंने सोचा मैं ही साफ़ कर देती हूँ, नहीं तनिषा ही साफ़ कर दिए। तो बातों में बर्तन भी क्लीन हो गए और बाकी सारे काम हो गए। फिर मुझे तैयारी भी करनी है। फिर भैया मेरे जो सिर में दर्द होता है तो इसलिए मैंने थोड़ी सी तनिषा पे चाय बनवा ली बढ़िया सी, उसे जो है इंजॉय कर रही हूँ। सुबह थोड़ी सी पी ली थी और तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मुझे अपना ध्यान रखना पड़ता है पहले, जब भी तो मैं काम कर पाऊंगी फ्रेंड्स। तो इसीलिए अपना ध्यान रखिए और काम भी साथ के साथ करते रहिए। यहाँ पर तनिषा और कोको देखिए कैसे बैठी है, नहा लिया तनिषा और ये कपड़े पहने तनिषा ने, और बच्चे भी बैठ के अब सोफे पे इंजॉय कर रहे हैं। देखिए कितने बढ़िया सोफा लग रहे हैं, चद्दर लग रही हैं, तो जैसे नए नए लेते हैं ना नई चीजें, तो कितनी अच्छी लगती हैं। यहाँ पर कोको जो है तनिषा और कोको मस्ती कर रही है आपस में, और देखिए एक दूसरे को कितने जान चुके हैं ये। अब मतलब कुछ भी करते हैं ना तो ये बिल्कुल भी परेशान नहीं होती है। और खाना इसे खिला दिया, क्योंकि इसे टाइम टाइम पे सुबह दोपहर शाम खाना खिलाना पड़ता है, नहीं तो ये जो ना ऐसे ही अब खाना ज्यादा इंजॉय नहीं करती। तो फ्रेंड्स फिर जो है जीजी भी आ गई और तैयार होकर, ये वाली साड़ी जीजी ने वेयर करी है, मैंने लीली वाली साड़ी वेयर करी है क्योंकि दो साइड है तो पहन सकते हैं यहाँ पर। चलिए मेरी थाली भी तैयार है, तो मुझे देवता की थाली निकालनी है। पहले जो है मैंने सिर धो लिया है फ्रेंड्स, और सिर धोकर नहा ली, ये वाली साड़ी वेयर करी है मैंने, और लीला कपड़ा मतलब बिल्कुल लीला नहीं पहनना चाहिए। तो इसमें दो साइड है, एक क्रीम कलर की एक नीली, तो यहाँ पर क्रीम कलर की चूड़ी और नीली चूड़ी। और सबसे पहले हमने जिमा दिए चूल्हे देवता, क्योंकि अग्नि देवता जिमाने बहुत जरूरी है सबसे पहले। और अब फटाफट में जो है अठावड़ी बना लूंगी, आठ पूरियां, आलू टमाटर सब्जी, खीर और आठ पूरियां, ये होगी तैयार। तो फ्रेंड्स ये जौ की बाल जो आ गई हैं, ये देखिए ये पूरी सब्जी। और यहाँ पर कपड़े दिखा देते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स 6 महीने में दिवाली पे कपड़े निकलते हैं और 6 महीने में होली पे निकलते हैं। तो होली आई है तो यहाँ पर मैंने भांजे के 5 कपड़े मंगा लिए हैं और 5 कपड़े मंगा लिए अपने बच्चों के, चाहे प्रशांत पैरों, विवेक पैरों या उसके पापा पैरों, और 50-50 रुपया पूज कर रख दिए। तो चलिए जोत बत्ती इसी तरह कर हमेशा मतलब पानी फिरा कर जोत कर देती हूँ। और देवता महाराज से यही कहती हूँ कि देवता महाराज ये पहरावने निकालती है, आप पहनो और आराम से आप रहो और हम भी ऐसे ही आराम से रहें, हमारा काम चले, बस यही दुआ है हमारी। और बस ऐसे ही अपने रीति रिवाज को निभाते रहेंगे और अपने बच्चों को भी ऐसे ही सिखाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो जो हम देखें, हमको देखेंगे ना बच्चे, वो ही सीखेंगे। तो फ्रेंड्स आज की पूजा मैंने करी है और 5-5 कपड़े पूज दिए हैं, 50-50 रुपये रख दिए बच्चों के नाम के। तो फ्रेंड्स त्योहारों में दिन नहीं देखा जाता, तो सिर धोकर नहाना पड़ता है त्योहार पूजने के लिए, क्योंकि होली दहन है। तो यहाँ पर पूजा करने के लिए चल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर तनिषा ने ये वाला सूट वेयर करा है, नया सूट है इसका, तो अभी 1-2 बार ही पहना इसने। फिर मैंने थाली अपनी रेडी कर ली, 50 रुपये ले लिए हल्दी, गुड़ और आटा। तो फ्रेंड्स सिर धोकर सूख भी गया है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, क्योंकि जब होली दहन होता है ना तो हल्की फुल्की बारिश का मौसम भी होता है और घटा हो रही है कुछ तकड़ी, देख सकते हैं, ये तो आपने देखा होगा उसमें बारिश पड़ी थी। चलते हैं भाई अपने बरखला लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए बरखला लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स बुरखले बहुत मेन होते हैं, यहाँ पर छत की क्लीन भी देख सकते हैं, एकदम सफा छत हो रही है। और बुरखले बहुत ज़रूरी हैं, कलाई में लपेट के रखने पड़ते हैं 5 बुरखले, बिल्कुल अच्छे हो गए। और चलिए यहाँ पर ये बिना कुछ करे सूख गए, विवेक ने कर दिए ऐसे, और बाकी ना के माला बनाऊँगी शाम को। और देखिए हवा कितनी ठंडी ठंडी चल रही है, कलाई में लगा कर ले चलती हूँ बाकी बातें।
तो फ्रेंड्स बाकी सारे काम हो गए हैं, बस ये बाहर की जो पूजा होती है ना उसे अगर आप पहले कर आओगे ना तो मन लगता है। यहाँ पर कोको देखिए जीजी के साथ कैसे खेल रही है, और इस तरह बुरखले को छेद वाले बुरखले बनाने हैं और इस तरह कलाई में लपेट के रखना पड़ता है 5 बाल और बुरखले। यहाँ पर मैंने थाली रेडी कर लिए, 50 रुपये देने के लिए रख लिए, और जो है गुड़ रख लिया है, हल्दी और बुरखले, और देख सकते हैं यहाँ पर रेडी है आटा। तो इस तरह हम जो है थाल को सजा कर और लेके चलते हैं, और एक लोटे में गंगा जल डाल के दूध डाल लेते हैं और पानी डाल लेते हैं। इधर कोको भी तैयार है चलने के लिए, लेकिन वो नहीं जा सकती हमारे साथ। तो फ्रेंड्स लोटा मैंने जल डाल लिया है, चीनी के दाने डाल लिए हैं और दूध डाल लिया है। तो जैसे जैसे पूजा होगी हमारे यहाँ पे आप देखते रहिए और इन्जॉय करते रहिए। और भद्रा भी लग रहे हैं, लेकिन त्यौहार के टाइम पे आप कुछ भी सोचो कि भद्रा वद्रा जो लगे हुए हैं वो तो है ही, लेकिन त्यौहार मनाने के लिए कितना किसके पास टाइम है। सुबह सुबह कोई नहीं जा पाता है, किसी की जॉब है, किसी का कुछ है, तो यहाँ पर देखिए सभी जा रही हैं, एक दूसरे को तिलक लगा रही हैं हल्दी का, और हम भी जा रहे हैं पूजा करने के लिए। तो देखिए सब कोई बाहर रह रहा, कोई घर पर रह रहा है, तो टाइम लग ही जाता है पूजा करने के लिए। तो फ्रेंड्स कुछ औरतें यहाँ पुलिस की जॉब भी करती हैं। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे कितनी सफाई से पूजा हो रही है, सबने बुरखले रख रखे हैं और बाल रख रखे हैं, और जो कलावा है ना उसकी पूजा कर रही हैं, और यहाँ पर आटा चून डालकर और हल्दी डालकर सातिया बनाकर पूजा करते हैं और मीठे में गुड़ चढ़ाते हैं। और यहाँ पर सभी जो है 5 परकम्मा लगाते हैं साथ में, और देखिए सबके कपड़े वेयर देखिए कितने सुंदर सुंदर सबने कपड़े पहन रहे हैं रंग बिरंगे, और कितनी अच्छी लगती है होली। यानी ऐसी होली अच्छी लगती है, वो नहीं कि किसी के जो है गारे में डाल दिए, या मतलब ऊट पटांग हरकत नहीं करनी चाहिए होली के त्यौहार पर। जितना हो सके उसे अच्छे से इंजॉय करिए, खेलिए होली, लेकिन कोई बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम खेड़ा देवत की पूजा कर रहे हैं, होली की पूजा कर ली हमने, तो होली और खेड़ा देवत पास में है, तो यहाँ पर दोनों बहनें पूजा कर रही हैं होली की। और वैसे हम साथ में आते हैं, लेकिन जब किसी से नहीं बनती हो ना तो आप जितना दूर रह सके उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि यही जिंदगी है ना लाइफ में, तो आप इंजॉय करिए, खुश रहिए। ये नहीं कि पहली पुरानी बातों में ही पड़े रहो, उसी चीज़ को याद करते रहो, तो उसे भूलकर आगे बढ़ जाओ। तो यहाँ पर जिस तरह हम बढ़े हैं इसी तरह हर किसी को बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर हमारी होली की पूजा भी हो गई है और जो है उसकी खेड़ा देवत की भी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूजा हो गई है, और कई जगह मैंने ब्लॉक में देखा है नीम के पेड़ ही डाल रखे हैं, ज्वार ही डाल रखी है, बाजरा डाल रखा है, लेकिन ये नहीं होता। देखिए हमारे यहाँ पे बस सिर्फ बुरखले डाल रखे हैं, और कितने अच्छा लग रही है पूजा करने में। तो इस तरह पूजा अच्छी लगती है। फिर जो है अपने जो गेट के कोले हैं वो ठंडे करने पड़ते हैं, तो यहाँ पर सातिया बना दिया हल्दी का और पानी डाल दिया है, और चलते हैं अंदर। तो तनिषा मैं और जीजी आ गए हैं होली पूज कर, अब लगी है रिलैक्स, मतलब 12 बजने में सिर्फ 1 मिनट 5 मिनट बचे हैं 12 बजने में। अब होली कोई अब कुछ देगा करो करवा लिया टीका बड़ा सा करो टीका जी। तो फ्रेंड्स होली पूजने के बाद हल्दी का टीका लगाते हैं आपस में, और फिर अगले दिन है ही होली। तो यहाँ पर बन गई कचौरियाँ, चाय बन रही है, ये देखो चाय बन गई है। तो फ्रेंड्स एक साइड में जीजी के लिए चाय बन रही है, चाय के साथ ही जीजी कचौरी खाएंगी। तो खीर, आलू टमाटर सब्जी, कचौरी और चाय तो जीजी को दे दी है हमने थाली देंगी में लगा के, और इस तरह आलू की पिट्ठी बनाएंगे ना घिया कस में, बहुत अच्छी कचौरी बनती है और फूटती भी नहीं है। देख सकते हैं मैंने एकदम फूल रही है कचौरियाँ। तो इसी तरह चौड़ी चौड़ी कचौरी बनाती हूँ अपनी मम्मी की तरह, मेरी मम्मी इसी तरह कचौरी बनाती हैं, तो मैंने जैसे देखा है अपनी माँ को ऐसे ही मैंने सीखा है। और हर एक एक चीज़ अपनी माँ से बच्ची सीखती है, जैसे तनिषा मुझसे सीख रही है, और विवेक और प्रशांत भी। तो यहाँ पर मेरे तीनों ही बच्चे खाना बना लेते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखाई। तो जो भी कोई आएगी ना उसकी मतलब वाइफ और तनिषा भी कहीं भी जाएगी तो आराम से मतलब रहेगी। और यहाँ पर जीजी खाना खा रही हैं। तो फ्रेंड्स देखिए एकदम करारी बढ़िया कचौरियाँ तैयार हो गई हैं। तो फ्रेंड्स त्योहारों पे नई चादर लगा दी है, और बच्चों के लिए गर्म गर्म खाना रेडी कर दिया है, और जब ही मन लगता है जब साफ सफाई हो जाती है खाने में। मुंडसा बांध लिया है तनिषा ने, और कपड़े देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। किचन का काम हो गया है, मैंने उतने खाना बनाया जितनी जरूरत है। तनिषा की अपने लिए कचौरी बना लिए अब, और ये कचौरी खीर और आलू टमाटर सब्जी। तो चलिए फ्रेंड्स आप सबके साथ
होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आप भी लीजिए, यह है आपकी थाली और मैं टेस्ट करके आपको बता देती हूँ। सबसे पहले भगवान जी का भोग निकालना चाहिए। आओ जी अब खाना खा रहे थे आप सबके साथ। कोको आएगी भाई पहले, ये आ गई थोड़ी सी चिकन भी आ गई है, इसलिए सर बैठना मेरे साथ बैठ आओ। तो फ्रेंड्स तनिषा के पापा तो बखती चले जाते हैं, दूध पीकर चले गए थे गुड़ के साथ। और यहाँ पर हमने जो है देवता की रोटी निकाली गौ माता के लिए, तो गाय को दे दी। और फिर हम जो है खाना खा रहे हैं यहाँ पर, मैं और तनिषा, विवेक और प्रशांत ने खाना खा लिया, जीजी ने भी खा लिया, फिर वो चली गई थी, प्रशांत ले गए थे उन्हें बाइक पर बैठा कर। और खीर रोटी सब्जी यानी आलू टमाटर की बहुत ही टेस्टी लगी। और त्यौहार कितने अच्छे होते, जो उनकी फील आती है यानी त्योहारों की फील जो आती है बहुत अच्छी लगती है। और त्योहारों पर नए नए कपड़े पहनने बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर तनिषा देखिए ये वाले कपड़े पहने हैं, जींस टॉप, जींस बुशेट और खुले बाल छलक। तो फ्रेंड्स ये तनिषा की जींस है, जूते हैं तनिषा के, और प्रशांत की पुरसेट, तो इसने पहन के चेक करें बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पर बच्चे जो है ब्रेड लाए थे बड़ा वाला, तो उसे एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। तो बच्चों के साथ बॉन्ड बना कर रहो अच्छा, तो वो भी आपके साथ अच्छे रहेंगे, आप उनके साथ अच्छे रहोगे। छोड़ दे ले। तो फ्रेंड्स कोको खेलकर बाहर बैठ गई है यहाँ पर, और सोफा कवर भी लगा दिए हैं। और वीडियो लंबी हो रही थी, तो क्योंकि पूजा पाठ की वीडियो है तो लंबी बनेगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो जल्दी ही लाऊंगी होली के त्योहार की।